हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 26 एयर एंड वाटर का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड न्यू टॉपिक व्हिच इज कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। कैन दिस हार्ड वाटर बी कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर? यस, हार्ड वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय रिमूवल ऑफ CA एंड Mg आयंस which are responsible for hardness. This is called softening of water. Hardness of water is of two types, temporary hardness and the second one is permanent hardness. तो जो hard water है वो साबुन के साथ मिलकर झाग नहीं बनाता है। क्या ये जो hard water से हम लोग soft water में change कर सकते हैं? हाँ, हम लोग hard water को soft water में convert कर सकते हैं। तो इस जो भी हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए, अगर उसे हम लोग रिमूव कर दें तो हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और हार्डनेस ऑफ वाटर टू टाइप्स का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द presence of soluble bicarbonates of calcium and magnesium. It is also called carbonate hardness. It can be removed by boiling and by soda lime process. तो जो temporary hardness है water का, वो soluble bicarbonates जो calcium और magnesium का जो कि water में present होता है उसकी वजह से होता है। इसे carbonate hardness भी बोला जाता है। ये दो तरह से remove किया जा सकता है, boiling और soda lime process से। By boiling, upon boiling hard water, calcium or magnesium bicarbonate present in it are decomposed to give magnesium or calcium carbonate. These carbonate salts are insoluble in water. They settle down easily and water can be decanted. So, अब जब हम लोग hard water को boil करते हैं तो उसका जो calcium और magnesium bicarbonate जो कि पानी में present होता है वो decompose हो जाता है magnesium और calcium carbonate में। और ये जो कार्बोनेट सॉल्ट्स है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मीन्स घुलता नहीं है। और ये वाटर में इजीली सेटल डाउन हो जाता है और इसे हम लोग आराम से डिकेंट कर सकते हैं। डिकेंटेशन क्या था प्रोसेस? वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वाटर को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज रहता है वो सेटल डाउन हो जाता है और हम लोग इजीली धीरे धीरे हम लोग ऊपर के पानी को अलग कर लेते हैं या फिर सेपरेट कर लेते हैं। हियर इज द प्रोसेस ऑफ boiling to remove calcium or magnesium ions from hard water. Calcium bicarbonate, which is soluble in water, when we heat this water, then we separate calcium carbonate, water, and carbon dioxide. It is same with magnesium bicarbonate. When we heat this magnesium bicarbonate in water, we get magnesium carbonate plus H2O plus CO2. By soda lime processes are known as Clark's method. When a calculated amount of lime is added to hard water, then the soluble bicarbonates are converted to insoluble carbonates as follows. तो जो एक सोडा लाइम प्रोसेस है उसे क्लार्क्स मेथड भी बोला जाता है। जब हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम का लेते हैं और उसे हम लोग हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल कार्बोनेट में। एंड हियर इज द फॉर्मूला ऑफ रिमूविंग और चेंजिंग हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर। हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को इस प्रोसेस में भी आपको हीट करके ही आप इसमें भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा और बाय द आयन एक्सचेंज मेथड।
परमानेंट हार्डनेस जो वाटर का है वो किसकी वजह से होता है? सॉल्युबल क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा और बाय आयन एक्सचेंज मेथड। लेट सी व्हाट इज एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा। द हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो हार्ड वाटर है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग सोडा, मीन्स उसे हम लोग कैलकुलेट मीन्स क्या कि हम लोग उसको एक क्वांटिटी के अंदर डालते हैं जितना उसमें चाहिए। ये नहीं कि अगर चाहिए 1 ग्राम तो हम लोग उसमें बहुत सारा 1 kg 2 kg डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो जो वॉशिंग सोडा है वो रिएक्ट करता है फ्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ। उसके बाद उसमें प्रेसिपिटेट कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है और इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रेसिपिटेट सेटल्स डाउन एंड कैन बी रिमूव बाई डिकेंटेशन। और इसका जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे में सेटल डाउन हो जाता है और इसे हम लोग फिर से डिकेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। वॉट इज आयन एक्सचेंज मेथड? टू टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर्स कैन बी यूज, नेमली इन ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर एंड ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। इन Inorganic ion exchange process, complex compounds known as zeolites are used to soften the hard water. The source causing hardness of water are precipitated as insoluble zeolites of calcium and magnesium and are replaced by soluble sodium salts. On the large scale, this process is carried out in tanks as shown in figure 26.6. After using it for some time, the zeolite is regenerated by soaking it in 10% solution of NaCl brine and then washing away chlorides. The washings are removed and are replaced by soluble sodium salts. So जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो टू टाइप्स का होता है आयन एक्सचेंजर्स, जिसे इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स के नाम से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे जियोलाइट के नाम से जाना जाता है उससे हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज करते हैं। वैसा सॉल्ट जो कि हार्डनेस का कारण होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट करते हैं जैसे इनसॉल्युबल जियोलाइट को देते हैं और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम उसको रिप्लेस करते हैं सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट से। और इसे हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं। इस प्रोसेस को टैंक्स में किया जाता है जैसा कि फिगर 26.6 में शो किया गया है। जब हम लोग जियोलाइट को यूज करते हैं रीजनरेट करने के लिए तो उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन हम लोग इसको सोक करने के लिए यूज करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें क्लोराइड्स को वॉश अवे कर देते हैं, निकाल देते हैं। और जो ये जो वॉशिंग्स होता है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है और रिप्लेस कर देता है सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट से, जिसमें जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर लिया जाता है सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट से। हियर इज फिगर 26.6 व्हिच शोस ऑब्टेनिंग सॉफ्ट वाटर ऑन लार्ज स्केल यूजिंग टैंक्स। By using organic ion exchanger, water obtained is free from cations and anions and is known as deionized water or demineralized water. तो हम लोग जो आयन ये ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर का जब यूज करते हैं इसमें जो वाटर है वो हम लोग कैटायंस और एनायंस से फ्री ऑब्टेन करते हैं। इसे हम लोग deionized water और demineralized water के नाम से भी जानते हैं। पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर इज अ वेरी इफेक्टिव सॉल्वेंट फॉर आयोनिक compounds. Although water is an electrically neutral molecule, it has a small positive charge on the H atoms and a negative charge on the O atom. Therefore, it is a polar in nature and can dissolve ionic compounds. So, पानी जो होता है उसका नेचर पोलर होता है। वाटर हम लोग के लिए बहुत ही असरदार एक सॉल्वेंट है और इसको हम लोग बोल सकते आयोनिक कंपाउंड के लिए, जबकि जो वाटर है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वो एच एटम्स पे होता है और नेगेटिव चार्ज ओ एटम्स पे होता है, इसलिए जो वाटर है उसका नेचर पोलर होता है और वो अपने अंदर बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकता है। हेयर इज द फिगर 26.7 विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी विच प्रूव्स द पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो हम लोग वाटर के पोलर नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। दिस इज द एक्टिविटी 26.3 एंड द एम ऑफ एक्टिविटी इज टू स्टडी द पोलर नेचर ऑफ वाटर। हम लोग इसमें वाटर के पोलर नेचर को स्टडी करेंगे। वॉट इज रिक्वायर्ड?
ब्यूरेट वाटर एपोनाइट फ्लोर निगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज एंड ब्यूरेट स्टैंड। तो हम लोग को इसमें ब्यूरेट चाहिए, वाटर चाहिए, एपोनाइट रॉड जो कि निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और एक ब्यूरेट स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। व्हाट टू डू, क्या करना होगा, टेक अ ब्यूरेट और अ बॉटल विथ अ फाइन ओपनिंग एंड फिल इट विथ वाटर। आपको एक ब्यूरेट लेना होगा या फिर बॉटल जिसका ओपनिंग जो होगा बहुत ही फाइन होगा, उसको हम लोग को पानी से फिल करना होगा यानी कि भरना होगा। फिक्स द ब्यूरेट vertically in a buried stand, hold the put a clip a little above the fine opening to regulate the water flow, water in a suitable stand। तो आपको क्या करना है कि जो buried है उसको vertically buried stand पे fix करना है और इसके बाद उस clip को क्या करना, उसके जो जहाँ से ओपनिंग हो रहा है बॉटल को वहां पे जाके उसको थोड़ा सा उसके ऊपर में जाके आपको फिक्स करना है। उसके बाद उसमें रेगुलेट करना है वाटर के फ्लो को ताकि वो सुइटेबली स्टैंड के पास जाके वो होल्ड कर सके। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द ब्यूरेज और क्लिप ऑफ द बॉटल एंड अलाउ द वाटर टू फ्लो। अब आपको क्या करना है कि आपको स्टॉप कॉक जो है ब्यूरेज का उसे ओपन करना है या फिर जो क्लिप लगा हुआ है बॉटल पे उसको थोड़ा सा अलाउ करना है वाटर को फ्लो करने के लिए। Take an ebonite rod, ordinary straw, negatively charged by rubbing one end with fur near the water. अब आपको क्या करना है कि आपको ebonite rod लेना है या फिर एक ordinary straw लेना है जिसमें negatively charged हो। Negatively charged कैसे करेंगे उसको, तो उसके एक end पे fur से fur पर उसको rub करके water के पास। What to observe? अब आपको observe क्या करना है। You will see that the stream of water is attracted towards negatively charged rod. तो आप क्या देखोगे, जो आपका जो वाटर का जो फ्लो हो रहा था वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो जो negatively charged rod आपने पकड़ा उसकी ओर। Why? ऐसा क्यों? Because one end of the water molecules has positive charge. क्योंकि जो एक water molecules का जो एक जो end है वो positively charged है। Similarly, now we take a glass rod or glass tumbler rubbed with fur near water which is positively charged. You will see that rod again attracts the stream of water. This indicates that one end of water molecule also has negative charge. Figure 26.8b. This proves the polar nature of water. वैसे आप क्या करोगे कि जो ग्लास रॉड लो या फिर ग्लास टम्बलर लो उसको आप लोग रब करो फर के साथ वाटर के पास जो कि पॉजिटिवली चार्ज जहाँ पे उसका है। तो आप क्या देखोगे कि जो रॉड के अगेन में उसका अट्रैक्शन हो रहा है वाटर के फ्लो का और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये क्या प्रूव करता है कि जो वाटर है वो पोलर नेचर का है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिक्विड्स। Due to this tension, water drops try to occupy a minimum surface area. Hence, water droplets always tend to take the shape of a sphere. The tension exerted by molecules of water present on the surface layer is called phase tension. To understand this, let us perform an activity. The surface tension लिक्विड्स का प्रॉपर्टी होता है और इस टेंशन की वजह से जो वाटर ड्रॉप्स है वो ज्यादा से वो क्या करते हैं, वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, कम से कम सरफेस एरिया को वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हमेशा स्फीयर का शेप लेते हैं जिसके वजह से वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। जो टेंशन जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है जो कि उसके सरफेस लेयर में प्रेजेंट होता है और इसे सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। और आपको सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने पड़ेगा। दिस इज द एक्टिविटी 26.4 एंड एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू स्टडी सरफेस टेंशन। आपको इसमें स्टडी सरफेस टेंशन करना होगा वाटर का। What is required? Glass and razor blade. आपको इसमें ग्लास चाहिए और एक razor blade चाहिए। What to do? क्या करना होगा? Take a glass full of water, put the safety razor blade having a coating of very thin layer of wax gently on the surface of water. आपको क्या करना होगा कि इसमें एक ग्लास में भर के पानी लेना होगा, उसमें जो सेफ्टी रेजर है जिसके जिसके उस पे आपको थिन वैक्स का कोटिंग करना होगा। उसके बाद उसको जेंटली सरफेस ऑफ वाटर मीन्स पानी के सरफेस पे रखना होगा। व्हाट टू ऑब्जर्व, अब आपको करना ऑब्जर्व क्या करना है। यू विल फाइंड दैट द ब्लेड रिमेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू इट इज हीवियर देन वाटर। जो ब्लेड है वो सरफेस पे ही रह जाएगा पानी के, क्योंकि ये जो ब्लेड है जबकि वो हीवियर मीन्स भारी है वाटर, फिर भी वो सरफेस पे रह रहा है। व्हाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों है। The upper layer of water acts like a tight sheet and holds the blade. Why is the sheet tight?
due to intermolecular forces, that is attractive forces between the molecules on water surface, and there is a tension on or force acting on the surface of the thin film of the liquid which behaves like a tight sheet. तो जो अपर लेयर होता है वाटर का वो कैसा एक्ट करता है, तो एक टाइट शीट की तरह एक्ट करता है जो कि ब्रेड को होल्ड्स करता है. ऐसे क्यों है कि वो टाइट शीट जो है वो टाइट शीट के जैसा वर्क करता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है जिसे अट्रैक्टिव फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मॉलिक्यूल्स और वाटर सरफेस के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये जो टेंशन फोर्स है वो सरफेस पे एक्ट कर रहा है, और जो थिन फिल्म ऑफ द लिक्विड वो बिहेव कर रहा है टाइट शीट की जैसा, क्योंकि आपने रेजर ब्लेड के ऊपर थिन कोटिंग किया था और थिन लेयर चढ़ाया था वैक्स का. कैपिलैरिटी और राइज ऑफ वाटर, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब विथ अ फाइन बोर इज डिप्ड इन वाटर, वाटर राइजेस इन द कैपिलरी. द एक्सटेंट टू विच वाटर राइजेस डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी. द स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी, द हायर विल बी द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब. दिस प्रॉपर्टी ऑफ राइज ऑफ वाटर इन साइड द कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन. तो जब एक कैपिलरी ट्यूब फाइन बोर जो उसको वाटर के साथ वाटर में डिप किया जाता है, तो वाटर क्या करता है वो राइज हो जाता है कैपिलरी में, और ये जो एक्सटेंट है जिसमें वाटर राइज करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डायमीटर ऑफ द कैपिलरी में, जो कैपिलरी का डायमीटर होगा उसके ऊपर वाटर का राइजिंग डिपेंड करेगा, और जो स्मॉलर जो डायमीटर होगा कैपिलरी का तो उसमें जो वाटर वो हायर लेवल पर राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में. और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर राइज करता है मीन्स ऊपर की ओर उठता है कैपिलरी के अंदर, उसे कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन के नाम से जाना जाता है. दिस इज द प्रॉपर्टी बाई विच वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम्स. व्हेन अ पीस ऑफ क्लॉथ और ब्लॉटिंग पेपर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट सोक्स द वाटर बाई दिस प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन. द थ्रेड स्ट्रैंड्स इन द क्लॉथ एंड सेलुलोज ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर सर्व्स लाइक वेरी फाइन कैपिलरीज फॉर द वाटर टू राइज. तो जो ये कैपिलरिटी है उसी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर है वो सॉइल से एंटर करता है प्लांट्स के लीव्स ब्रांचेस में स्टेम्स के थ्रू. जब एक जो कपड़ा का जो पीस होता है या फिर जो ब्लॉटिंग पेपर का जो पीस होता है, जब हम लोग उसको पानी में प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है वाटर को सोख कर लेता है, मीन्स अपने अंदर सोख लेता है. और किस प्रोसेस की वजह से, तो कैपिलरी एक्शन की प्रोसेस की वजह से. और ये जो थ्रेड स्ट्रैंड्स होता है कपड़े का या फिर जो सेल्यूलोज होता है ब्लॉटिंग पेपर का, वो क्या करता है किस तरह से सर्व करता है, वो फाइन कैपिलरीज की तरह से वो एक्शन करता है जिससे जो वाटर है वो राइज अप होता है. डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर बिहेव्स इन एन unusual way when it is heated from 0 degree Celsius. As the temperature rises from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it actually contracts. However, from 4 degree Celsius upwards, it expands like any other liquid. This means that water takes up the least space at 4 degree Celsius. It has the highest density at this temperature and will sink through warmer or colder water around it. The density of water at 4 degrees Celsius is 1 gram per cubic meter. Because of this property of water, we can explain why it takes months for a lake to freeze, while a small bucket of water can freeze overnight on a bitterly cold day. The surface water cools down to 4 degrees Celsius and sinks to the bottom of the lake due to its high density, and hotter water comes up to the surface. Gradually, the whole water cools down to 4 degrees Celsius. Further cooling decreases the temperature of surface water, which finally freezes. Ice being lighter than water keeps floating on the surface. It acts as an insulator and slows down the cooling and freezing of the lower layers of water. This explains why aquatic animals living in water bodies of very cold regions do not die in severe winter. तो जो वाटर है वो कैसा बिहेव करता है, अनयूजुअल वे, मीन्स अपने जब वो इसको हीट करते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो अनयूजुअल हो जाता है. जबकि टेम्परेचर जो है वाटर का वो राइज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और उसका वाटर का कॉन्ट्रेक्शन इस डिग्री पर स्टार्ट हो जाता है. जबकि जो 4 डिग्री सेल्सियस से अब हम लोग जब उसको हीट करते हैं तो जो लिक्विड्स होता है
लिक्विड्स के अलावा जो भी होता है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है. इट मींस जो कि वाटर है वो उसका जो लिस्ट स्पेस है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और उसका जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. और वो ये जब वाटर जब कोल्डर होता है या फिर वार्मर होता है चारों ओर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. जो डेंसिटी है वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है. इस प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर है हम लोग उसमें तो हम लोग बहुत कुछ इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो हम लोग महीनों लगता है लेक को फ्रीज होने में, जो झील होता है उसको फ्रीज होने में महीनों क्यों लग जाता है, जबकि एक स्मॉल जो बकेट में जो छोटा सा बकेट है उसको फ्रीज करने में हम लोग एक रात लगा सकते हैं. जब ठंड का दिन हो तो एक रात में वो एक बाल्टा जो छोटा सा बाल्टा है वो तुरंत फ्रीज होगा, लेकिन एक जो झील होता है उसको महीनों लग जाते हैं फ्रीज होने में. ऐसा क्यों है? तो जो सरफेस होता है वाटर का वो किस पे कूल्स डाउन होना स्टार्ट करता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे. और ये जो हम लोग का जो ये बॉटम है लेक का वो उस पे हाई डेंसिटी होता है, मतलब हॉटर होता है, और वो जो वाटर कम से वो सरफेस पे आते रहता है. जो सरफेस में जो वाटर है लेक के वो ऊपर की ओर आते रहता है ग्रेजुअली. जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन होना स्टार्ट करता है. जब ये कूलिंग डिक्रीज होता है तो जो टेम्परेचर है सरफेस का वो क्या होता है, फाइनली फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है. और जो आइस है वो लाइटर होता है, जिससे जो वाटर के पे ऊपर वो जो आइस है वो फ्लोट करते रहता है सरफेस पे, और एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो कि कूलिंग प्रोसेस और फ्रीजिंग प्रोसेस को क्या कर देता है, लोअर लेयर्स ऑफ वाटर पे स्लोस डाउन कर देता है. इस यही एक जो तरीका है जो एक्वेटिक एनिमल्स जब वाटर बॉडीज में रहते हैं जहाँ पे कोल्ड रीजन है और इतने सीवियर विंटर में मीन्स बहुत ज्यादा ठंड में भी वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो वाटर बॉडीज में रहते हैं और फिर भी वो मरते नहीं है. वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एंड ओशन. इट अकर्स ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पॉल्यूटेंट इन टू वाटर बॉडीज. इट नॉट ओनली अफेक्ट्स प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग नियर द लोकेशन ऑफ डिस्चार्ज, बट ऑल्सो ट्रेवल्स टू अदर लोकेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्या करता है कि वो ये वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ग्राउंड और वाटर और ओशन से उसको कंटामिनेट करता है, मीन्स प्रदूषित करता है या फिर दूषित करता है. ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग डिस्चार्ज करते हैं अनट्रीटेड पॉल्यूटेंट्स वाटर बॉडीज में, और ये सिर्फ प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो कि जहाँ पे डिस्चार्ज का लोकेशन है उनको अफेक्ट नहीं करता, बट जो भी जिस लोकेशन में ये चीज ट्रैवल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ये जो पॉल्यूटेड वाटर है वो सबको अफेक्ट करता है, सब पे असर पहुंचाता है. वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब हम लोग देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन का क्या क्या सोर्सेज है. वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज व्हिच रिलीज वेरियस टॉक्सिन्स, अनट्रीटेड इफ्लुएंस एंड हेवी मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज. जो फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज है वो क्या रिलीज करता है, बहुत ही जहरीला पदार्थ रिलीज करता है. अनट्रीटेड इफ्लुएंस रहता है उसमें हेवी मेटल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल वाटर बॉडीज में बिना ट्रीट किए उसको दिया जाता है. एग्रीकल्चर फार्म्स रिलीजेस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स व्हिच लीड्स टू यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन. सीलेशन 30 सेक्शन 30.6.3b एंड 30.6.3c फॉर डिटेल्स. तो जो एग्रीकल्चर जो फार्म्स हम लोग जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स है और जो पेस्टिसाइड्स है जैसे यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन जैसे खतरनाक बीमारी होने का डर रहता है वो हम लोग वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं. और इसको डिटेल में जानने के लिए आपको सेक्शन लेसन 30 सेक्शन 30.6.3 और 30.6.3 को देखना पड़ेगा डिटेल से जानने के लिए. माइनिंग एक्सपोजेस हेवी मेटल्स एंड सल्फर विच वर ब्यूरिड डीप इन द अर्थ इन टू वाटर बॉडीज. जो माइनिंग है वो क्या करता है, हेवी मेटल्स और सल्फर्स जो कि हमारे अर्थ में पूरा वाटर बॉडीज के पास अंदर भी डीप रहता है, गड़ा हुआ रहता है, अंदर रहता है, उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं जिससे वाटर बॉडीज अफेक्ट होता है वाटर बॉडीज को. सीवेज पाइप एंड स्टॉर्म वाटर रेन्स रिलीज वेरियस पैथोजन डिस इन्फेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट्स. तो सीवेज जो पाइप होता है वो क्या करता है, हमारे जो नाला जो हम लोग का ड्रेन्स होता है उससे जो वेरियस पैथोजेंस और जो डिसइंफेक्टेंट्स या फिर जो डिटर्जेंट्स होता है उसको रिलीज करता है, जिससे जो हमारा वो जो वाटर बॉडीज में जाके मिलता है तो उस चीज को वो कॉन्टेमिनेट करते हैं या फिर प्रदूषित करते हैं. एयर पॉल्यूशन रिलीजेस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा विच आर वॉश्ड डाउन बाय रेन्स. जो एयर पॉल्यूशन वो क्या रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि रेन्स के द्वारा वॉश्ड डाउन कर दिया जाता है और वाटर में जाके वाटर बॉडीज में ये जाके मिक्स हो जाते हैं.
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड देयर बेस्ट इंक्लूड्स फैट्स एंड ग्रीसेस। तो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है उसमें जो बेस्ट निकलता है और जो फैट्स और ग्रीसेस होता है उससे भी हमारा वाटर बॉडीज प्रदूषित होता है। बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर जनरली ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज। तो हमारे उस ऑरिजिन के बेस पे जो वाटर पॉल्यूशन का जो सोर्स है उसको हम लोग टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, टू ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन। Let's say what is point source pollution. Refers to contaminants that enter water body from a single identifiable source such as pipe or a ditch. तो एक ऐसा एक ऐसा पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन इसे बोलते हैं जिसमें जो कॉन्टामिनेंट्स है वो हम लोग आइडेंटिफिएबल मीन्स उस चीज़ का हम लोग पहचान कर सकते हैं कि वो हाँ इसी सोर्स से वो या तो इस पाइप के थ्रू या फिर इस डिश के थ्रू हम लोग का वाटर बॉडी से जो कि गंदा हो रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट इज नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इट इज रिफर्स टू डिफ्यूज कॉन्टामिनेशन दैट डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल डिस्क्रीट सोर्स बट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्टामिनेंट्स गैदर फ्रॉम अ लार्ज एरिया सच एज लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो जो पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है इसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता है, हम लोग उसमें आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर सकते कि कहाँ से ये जो एक्चुअली में जो ये गंदगी है वो हम लोग को कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये वाटर बॉडीज को गंदा कर रहा है। जैसे कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स और जो फार्म साइट्स पे एग्रीकल्चर लैंड से जो पेस्टिसाइड्स आते हैं वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं और कहाँ से ये इकट्ठा होकर आ रही है वो हम लोग को पता नहीं चलता है और ये वाटर बॉडीज को गंदा करता है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। This is the in-text question 26.4. Try to solve all these questions. Now, the next topic is utility of water. Water is used for many purposes, including growing crops, metallurgical operations to obtain metals such as copper, generating electricity, watering lawns, cleaning, drinking, and recreation. We can say that water is essential for our life and for all living beings. Without water, plants and animals cannot function and they ultimately die. Let us discuss the role of water for domestic use, agricultural use, industrial use and for generation of electricity. जो water बहुत सारे purposes के लिए use होता है, जैसे कि हम लोग जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसमें हम लोगों को वाटर की जरूरत पड़ती है, metallurgical operations में हम लोगों को वाटर की जरूरत पड़ती है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल्स को कॉपर्स से अलग करते हैं और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में वाटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग को बहुत सारे ऐसा पर्पस है जिसमें हम लोग का क्लीनिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया, मीन्स वॉशिंग लॉन्स हो गया, इस सब में हम लोग को वाटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग कह सकते हैं कि जो वाटर है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका जो लाइफ है वो वाटर पे ही डिपेंड करता है। बिना पानी के प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं और वो डाई हो जाते हैं, मीन्स अल्टीमेटली डाई मीन्स वो मर जाते हैं, फिर मृत हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं वाटर के रोल की भी रोल का, जो कि हम लोग डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर यूज, इंडस्ट्रियल यूज एंड फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कैसे वाटर का यूज करते हैं। फॉर डोमेस्टिक यूजेस ऑफ वाटर, water plays an important role in our domestic life. For example, it is used for cooking food, to wash utensils and clothes, and clean the floor of houses. It is also used for whitewashing. It is used to take bath. Water provides a good medium for extracting the body waste such as urine, stool or perspiration. The salts and the nutrients of the food dissolve in water. Therefore, these nutrients are easily absorbed by our body. Thus, water helps in assimilation of many nutrients present in food. Please recall the role of water as universal solvent, section 26.5.4a. तो जो वाटर है वो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ही बड़ा या अहम रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग वाटर को फूड को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, अपने बर्तन को धोने के लिए करते हैं, कपड़ों को धोने के लिए करते हैं, अपने घर के जमीन को साफ करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, हम लोग वाइट वॉशिंग के दौरान भी वाटर का यूज़ करते हैं, हम लोग नहाने में भी पानी का यूज़ करते हैं। जो वाटर है वो हम लोग का एक गुड अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग जो बॉडी वेस्ट जैसे कि यूरिन हो गया या स्टूल हो गया, जो पर्सपिरेशन हो गया, उसको हम लोग सफाई करते हैं वाटर के हेल्प से। जो सॉल्ट होता है या फिर न्यूट्रिएंट्स होता है
फूड का, वो भी वाटर में ही डिजोल्व होते हैं। इसलिए जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के द्वारा वाटर के द्वारा ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसलिए जो वाटर है वो पूरे हमें एसिमिलेशन में, जैसे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है। और आपको तो ये आप लोगों ने सेक्शन 26.5.4A में पढ़ा है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है। Agricultural uses of water. In agricultural sector, water is used for the irrigation of crops. It helps in the germination of seeds and growth of plants. The nutrients provided by fertilizers to the soil are soluble in water. These dissolved nutrients or fertilizers are usually absorbed by the plants. Water is also required along with carbon dioxide for preparation of food by plants, photosynthesis. It also acts as medium for the transportation of nutrients and minerals from one part of the plant to other. Water provides home for aquatic plants and animals. So, agriculture sector means kheti ke kshetra mein जो वाटर है वो खेती करने के लिए, पौधों की सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग फर्टिलाइजर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं वो भी वाटर के द्वारा ही उसको सॉल्यूबल करके सॉइल के द्वारा प्लांट्स उसको टेक करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलाइजर्स है वो प्लांट्स के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो वाटर है वो फूड प्लांट्स को फूड बनाने में भी, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ये एक ऐसे मीडियम की तरह एक्ट करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का प्लांट में वन पार्ट से अदर पार्ट में। जो वाटर है वो होम भी प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर। वाटर यूज एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ आइस। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड इन स्टीम इंजन्स। It is used as solvent in many industrial processes. Water is used to prepare many chemical compounds. For example, H2SO4 is prepared by dissolving SO3 in water, and HNO3 is prepared by dissolving NOT in water. Water is also used to prepare fuels like hydrogen gas and water gas. तो जो वाटर है वो बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज में कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये आइस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जो वाटर है वो स्टीम इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में स्टीम के रूप में भी उसका यूज किया जाता है, और स्टीम इंजन में भी हम लोग वाटर के यूज करते हैं। जो वाटर है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। वाटर जो है वो मेनी जो अदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि H2SO4 जो कि SO3 को डिजॉल्व करने में, पानी को डिजॉल्व करके, और जो नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3 उसको भी पानी में डिजॉल्व करके हम लोग इन लोग का इन सब का प्रिपेयर करते हैं। तो जो वाटर है वो हम लोग को जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और जो वाटर गैस है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन सब फ्यूल्स को भी वाटर की हेल्प से। यूजर्स ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पानी को जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने में करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम वाटर। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कैप्चरिंग दिस एनर्जी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग द वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टू रोटेट द टर्बाइन्स। वाटर इज यूज्ड इन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग के पास बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिसमें हम लोग वाटर को हार्नेस कर सकते हैं उससे एनर्जी को गेट करने के लिए। जो मोस्ट कॉमन तरीका है जो कि हम लोग वाटर से हम लोग कैप्चर करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग जनरेट करते हैं। वाटर को हम लोग एक ऊंचाई से गिराते हैं और उसके बाद हम लोग जो नीचे टर्बाइन होता है उसको रोटेट करवाते हैं। और जो वाटर है वो एक थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है प्रोड्यूस स्टीम को प्रोड्यूस करने में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे कि वाटर को कंजर्वेट कैसे करते हैं और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। ओवर द ईयर्स द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर नीड्स have pushed up the demand for water. On other hand, water resources like groundwater and river water are fast drying up. Wise conservation of water has become the need for our survival, and attempts are being made in many different directions, such as collection of water by making dams and reservoirs, creating groundwater structures such as wells, recycling of used water and desalination of water. Recharging of groundwater has become necessary. This is being done through rainwater harvesting.
तो साल दर साल क्या हो रहा है कि जो हम लोग का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स बढ़ते जा रहा है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर का जो नीड्स है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, और इसलिए हम लोग का जो पानी का डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो वाटर रिसोर्स है जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर हो गया, वो जल्दी सूख जाते हैं। तो हम लोग की बुद्धिमानी से में कि हम लोग वाटर को कंजर्व करें, जिससे हमारा जो नीड है वाटर की वो हमारे सर्वाइवल में हमारा हेल्प करे, और जो जितने भी अटेम्प्ट है जो हमारे वाटर को कलेक्ट करने के लिए जैसे कि डैम्स बना के, रिजर्वायर्स बना के, ग्राउंड वाटर को स्ट्रक्चर अच्छा से क्रिएट करके, कुआं या फिर हम लोग इसमें कह सकते हैं कि वाटर को भी रिसाइकल करके, या फिर जो वाटर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स मिले हैं उसको हम लोग डिसैलिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग वाटर को कंजर्व करें। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हैज बिकम नेसेसरी। तो हम लोग को जो ग्राउंड वाटर उसको रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी हो गया हमारे लिए। और ये कैसे हो जाता है, तो जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इजेंशियली मींस कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड। नॉट ओनली डज दिस रिचार्जिंग अरेस्ट द अंडरग्राउंड डिप्लीटेशन ऑफ वाटर बट ऑल्सो रेजेस द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल। तो जो रेन वाटर है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जो रेन वाटर हम लोग आए तो उसको हम लोग या तो छत पे हम लोग एक स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको अंडरग्राउंड में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो रिचार्ज होता है अंडरग्राउंड, तो वो सिर्फ वाटर के डिप्लीटेशन को रोकता ही नहीं है बल्कि उसके जो डिक्लाइनिंग वाटर लेवल उसको भी रेज करता है, मीन्स बढ़ाता है। व्हाइल मेनी पीपल मे नॉट रियलाइज इट, बट अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। हार्वेस्टिंग रेन वाटर नॉट ओनली हैज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग बट इट ऑल्सो डिक्रीजेस द कम्युनिटीज डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस। रेन वाटर इज परफेक्टली सुटेड फॉर लैंडस्केप irrigation, growing vegetables and flowers, using room coolers, washing and many other applications. Being soft water, rainwater is used for washing purposes. While using rainwater, hardness deposits do not accumulate and there is no problem of soap scum. Harvested water may also be used for personal consumption. Water is must be filtered and treated prior to use by reducing runoff of the rainwater that falls on your house or field. You can put a valuable water source to work around your house. तो जबकि बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज नहीं है, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फ्यू सेंटीमीटर्स जो एनुअल रेनफॉल होता है वो हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह साबित हो सकता है। हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। हम लोग इससे जो बाढ़ की संभावना होती है उसे भी घटा सकते हैं, प्लस इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें जो हमारा जो कम्युनिटी है वो डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पे, उससे हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर का यूज कर सकते हैं। जो रेन वाटर होता है वो लैंडस्केप इरीगेशन के लिए सही है, या फिर हम लोग वेजिटेबल्स और जो फ्लावर्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं उसमें भी हम लोग जब हम लोग को इरीगेशन की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग रेन वाटर का यूज कर सकते हैं। हम लोग रूम कूलर्स के रूप में रूम कूलर में वाटर का यूज करते कर सकते हैं रेन वाटर का। फिर हम लोग जो वॉश करते हैं, मीन्स जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन को धोते हैं, तो उसमें भी हम लोग रेन वाटर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि रेन वाटर नेचर में सॉफ्ट होता है तो हम लोग इसको वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। जो रेन वाटर होता है उसमें हार्डनेस नहीं होता है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका इसमें सोप्स कम का प्रोडक्शन होगा। तो जो रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करके पर्सनल कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट फिर भी हम लोग इसको फिल्टर करके और इसको जो भी प्रायोरिटी होता है ट्रीटमेंट करके हम लोग रेन वाटर को पी भी सकते हैं। और हम लोग जो रेन वाटर है उसको हम लोग जैसे कि अपने घर के पास जो वाटर गिरता है या फिर जो फॉल होता है, तो हम लोग क्या करें उसको हाउस या फिर के पास स्टोर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स हम लोग के लिए बहुत सारा हम लोग को हेल्प कर सकता है बहुत ही अलग ढंग से। जो वाटर रिसोर्स है हम लोग अपने घर के आसपास इसको रिस्टोर करने में हेल्प कर सकते हैं, इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है। द बेनिफिट्स ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोस। तो जो बेनिफिट्स है हमारा रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का वो नीचे में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। कंजर्व वैल्यूएबल ग्राउंड वाटर, तो जो हम लोग अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो ग्राउंड वाटर जो वैल्यूएबल है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं।
रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग एंड ब्रेजिल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग का जो लोकल फ्लडिंग होता है, मीन्स जो बहुत ही कम मात्रा में कहीं कहीं बाढ़ आता है, मीन्स ज्यादा बाढ़ नहीं आता है सीरियस, तो उसमें हम लोग उसको कम कर सकते हैं। और जो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। डिक्रीजेस लैंडस्केपिंग एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस नीड्स। तो जितना भी लैंडस्केपिंग या जो भी मेंटेनेंस होता है प्रॉपर्टी का, हम लोग उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एक्सलेंट क्वालिटी वाटर फॉर मेनी हाउस होल्ड यूजेस। हम लोग इससे रेन वाटर हार्वेस्ट से हम लोग एक्सलेंट क्वालिटी का वाटर हम लोग बहुत सारे घर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ट्रीज एंड श्रब्स एंड सीडलिंग इन अ ग्रीन हाउस एटसेट्रा। तो हम लोग जो रेन वाटर उसको बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल्स उसको ग्रो करके, फ्लावर्स और जो ट्रीज है, श्रब्स और जो सीडलिंग्स है, मीन्स जो पेड़ के जो बीज होते हैं उसको हम लोग ग्रीन हाउस में इस रेन वाटर के हेल्प से इरिगेट करके इन सबको ग्रोथ कर सकते हैं। एंड दिस इज योर इंडेक्स क्वेश्चन 26.5। ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में गलती से हम बोल दिए थे कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर उस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और सारे इंडेक्स क्वेश्चन टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें। अगर किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हुई या किसी भी टॉपिक से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से टर्मिनल एक्सरसाइज स्टार्ट है। और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, बस टर्मिनल एक्सरसाइज का नहीं। सारे टाइम एक्सरसाइज का जो आंसर है वो एक्सरसाइज के बीच में से मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू एवरीवन।